Assalamu alaikum guys, this is Engineer Ahmed Makki. If this is the first time you are visiting my channel, please hit the subscribe button as well as ring the bell icon. Students, आज का जो हमारा basically lecture है 9.1 का question number 13, 14 और 15 करेंगे. ये तीन को तीन questions आज हम देखेंगे और आज basically तीन questions ही देखेंगे और इंशाल्लाह exercise जो है कल करेंगे. सबसे पहले हमारे पास question में वो कहता है क्या? A circular wire of radius 6 cm. वो कहते हैं हमारे पास एक wire है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर. मतलब हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, ये हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, इसकी इसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर ये हमारे पास एक छोटी सी वायर है. वो क्या कहता है? इसको यहाँ से हमने काटा, इस वायर को काटा, इसको स्ट्रेट कर दिया हमने वायर को. देन हमने क्या किया, इसको 12 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया. इसको खींच के हमने कितनी सेंटीमीटर का बनाया? रेडियस कितने सेंटीमीटर का बनाया? 12. कैसे पता चलेगी 6 सेंटीमीटर की लेंथ है? नहीं नहीं, ये रेडियस ही है. ये देखो ना, हमारे पास 6 सेंटीमीटर रेडियस है. कहते हैं इसको बस हमने बड़ा थोड़ा सा खोल के ना थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना दिया. लेंथ उतनी ही है जितनी इसकी लेंथ है, उतनी इसकी लेंथ है. अब हम फाइंड कैसे क्या करेंगे? देखो, अगर हम इस सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल लें तो वायर की लेंथ नहीं फाइंड हो जाएगी. हां जी, क्योंकि हमारे पास दोनों का वो तो सेम है ना. हमारे पास बेसिकली मेन जो है, जो असल सर्कल है वो ये है ना. हमने खींच के तो बाद में बड़ा किया है, तो मैं क्या चाहता हूं उसकी n = 2π. इसको मैं r डैश कह देता हूं. ओल्ड जो हमारे पास रेडियस था 2π, हमारे पास 6 है, 6 ये मेरे पास लेंथ कितनी आ जाएगी 12π, ठीक है 12π π की भी लिखने सारी साथ ही π ही कर दो बाद में वो आप करेंगे ये हमारे पास 12π आ गया अब मैं क्या करता हूँ r हमारे पास है l b है थीटा फाइंड कर सकते हैं कर सकते हैं n = r थीटा होता है हमारे पास यस l हमने थीटा फाइंड करने r को नीचे ले आओ l / r थीटा l क्या चीज है हमारे पास 12π और r क्या चीज है 24 = थीटा ये आ जाएगा π / 2 तो हमारे पास जो थीटा है ना 5/2 radian आ गया ठीक है हमारे पास basically क्या है ठीक है ये हमारे पास basically क्या है एक छोटा सा ठीक है एक question था अच्छा हम next question start करते हैं अपना question number 14 के अंदर हमारे पास एक proof है हमने एक short question है हमारे पास उसको हमने proof करना है वो कहते हैं show that the area of a sector हमने proof क्या करना है ये आ जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल ठीक है. और ये किसके इक्वल होता है? फार्मूला आपने याद रखा है बेसिकली. देन हमारे पास आता है सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल. सेक्टर ये है सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर. अब डिवाइड करूंगा मैं इसको किससे? एंगल ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एंगल ऑफ सर्कल है, एंगल
सर्कल जो है वो पूरा सर्कल है, और वो क्या होता है 2 पाई रेडियन क्या मतलब डिग्री में करेंगे कितना होता है आएगा 360 डिग्री होता है, लेकिन हम पाई रेडियन में करेंगे 2 पाई आ गया। अब मुझे एक बात बताओ कि पाई पाई से कैंसिल हो सकता है यार? ये भी नहीं, यहां भी हो सकता है, ये नहीं है कि डिवाइड अगर हम ये इक्वल है दोनों जो मर्जी कर सकते हो। अब ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, मतलब आप भी कर सकते हो। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई थीटा आर स्क्वायर, नजर आ रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर? यस सर। अब इज इक्वल टू आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, यस थीटा आर स्क्वायर इधर आ गया ओवर ये 1 ये 2 उधर ही रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 थीटा आर स्क्वायर या आर स्क्वायर थीटा। यस सर, हमने प्रूफ नहीं करना था, यही हमारे पास बेसिकली प्रूफ है और यही हमने आज प्रूफ कर दिया, तो यहां से प्रूफ लिख दिया। बेसिकली आज ही हमारे पास क्वेश्चंस थे, तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन जो है हम वो इंशाल्लाह कल देखेंगे। बाकी जो 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रह गए हैं और एक प्रूफ रह गया है l is equal to r थीटा, तो बेसिकली इन्हीं फार्मूले से होगा, वो कैसे होगा वो इंशाल्लाह हम ये टोटल 4 क्वेश्चंस कल देखेंगे और कल आपकी पूरी एक्सरसाइज 9.1 खत्म हो जाएगी। In the end, if you want me to ask something about this tutorial, you can ask me in the comment section. And hey, don't forget to subscribe my channel as well as ring the bell icon. Allah Hafiz.